सो अगर आपको ये स्पेसिफिक गीजर्स नहीं लेना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे पॉइंट्स का कंपाइलेशन मिलेगा जो आपको किसी भी यूट्यूबर की वीडियो या 99% वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको भी अराउंड 9000 एक बेस्ट परफॉर्मेंस सेफ्टी एंड ट्रस्टेड वाटर हीटर लेना है तो मैं हमेशा आपको दो गीजर्स रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है एओस्मिथ ग्रीन SDS एंड सेकेंड इज हैवेल्स एडोनिया स्पिन। बट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गीजर आपके लिए बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद प्रोज एंड कॉन्स एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली एक गीजर में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉस्टली पार्ट होता है उसका वाटर टैंक, जो हमें इन दोनों ही गीजर्स में स्टील का मिलता है विद ग्लास लाइन कोटिंग, जो बेसिकली एक ग्लास लाइन और इनेमल कोटिंग है जो गीजर के इनर साइड में की जाती है टू प्रोटेक्ट गीजर टैंक फ्रॉम कोरोजन हार्ड वाटर एंड स्केलिंग इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर। एंड इनकी नेमिंग यहाँ पे हर ब्रांड में डिफरेंट होती है, लाइक एओस्मिथ इसे बोलता है ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक और वहीं हैवेल्स बोलता है फेरो ग्लास कोटिंग टेक्नोलॉजी। एंड एज वी ऑल नो यहाँ पे ब्रांड्स एंड इनके यूट्यूबर्स दलाल यानी कि जिस ब्रांड ने जिसको पैसा खिलाया है वो उसको बेटर बोलता है, जिसको मैं के यहाँ पे कोई भी चेक नहीं कर सकता क्योंकि ब्रांड्स अपनी कोटिंग की थिकनेस, कोटिंग कंपाउंड एंड कंपोजिशन एंड ग्लास फ्यूजन टेम्परेचर मेंशन नहीं करती। बाकी मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ नहीं आएगी एंड इसी वजह से मैं यहाँ पे सारे टॉप ब्रांड्स को इक्वली प्रेफरेंस देता हूँ। और वैसे हैवेल्स की फेरोग्लास टेक्नोलॉजी एक ड्राई पाउडर कोटेड टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे वेट कोटिंग से बेटर होती है एंड ये चीज मुझे एओस्मिथ में मेंशन नहीं मिली। देन फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो दोनों ही गीजर्स में हमें सेम कैटेगरी का हीटिंग एलिमेंट मिलता है विच इज ग्लास कोटेड इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट, जो यहाँ पे दी बेस्ट कैटेगरी का हीटिंग एलिमेंट है एंड स्पेशली हार्ड वाटर एरियाज के लिए ग्लास कोटेड टैंक एंड ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एंड फिर इसके अलावा दोनों ही गीजर्स में हमें एनोड रॉड मिलती है जो बेसिकली अपने आप को करोड़ करके अपने गीजर के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जो सेडिमेंट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू हार्ड वाटर उसे रोकती या मिनिमाइज करती एंड गीजर को हार्ड वाटर से प्रोटेक्ट करती है, जिससे गीजर के टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट की लाइफ इंक्रीज हो और साथ ही में पावर कंजप्शन एंड हीटिंग टाइम लो रहे। और वैसे ये जो एनोडॉट होती है उसके सैक्रिफिशियल नेचर के वजह से कुछ टाइम बाद हमें इसे चेंज करवाना पड़ता है, जो आपके इनलेट वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। बाकी हैवेल्स में यहाँ पे हैवी ड्यूटी मैग्नीशियम एनोडॉट दी गई है एंड एओस्मिथ में एलॉय एनोड रॉड, बट एओस्मिथ ने यहाँ पे अपना कॉम्पोजिशन मेंशन नहीं किया है। देन फिर फोर्थ, ये दोनों ही गीजर से एक 5-स्टार रेटेड गीजर है जिनकी स्टैंडिंग लॉस वैल्यू आपके स्क्रीन पे शो हो रही है एंड ये जो स्टैंडिंग लॉस वैल्यू है वो ज्यादा बेटर क्राइटेरिया है अपने गीजर के एफिशिएंसी को जज करने का, और ये वैल्यू जितनी ही कम रहेगी उतना ही कम हीट लॉस अपने गीजर से होगा, पानी ज्यादा टाइम के लिए गीजर में गर्म बना रहेगा एंड साथ ही में गीजर ज्यादा एफिशिएंट कहलाएगा। और चलो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि करंटली कई सारे गीजर जो अभी 5-स्टार शो हो रहे हैं वो एक्चुअली में 4-स्टार गीजर हो सकते हैं, लाइक जैसे ये रिकॉर्ड का 5-स्टार गीजर 4-स्टार हो गया है क्योंकि इस साल यहाँ पे स्टार रेटिंग अपडेट हुई है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू दिसंबर 2025। बट ब्रांड्स ने यहाँ पे अभी तक इसे अपडेट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे उनका अपना पुराना स्टॉक क्लियर करना है एंड ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। अभी करेंटली जो स्टार रेटिंग का क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लेटेस्ट गाइडलाइन वो ये है जो मैंने अभी ब्लर रखा है एंड इस वीडियो पे जब 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे तब मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इस चैनल के मेंबर्स के साथ मैं हर एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इंक्लूडिंग ब्रांड पेड वीडियो कैंपेन अलर्ट, जिससे यहाँ पे मेरे मेंबर्स कभी भी यहाँ पे एक गलत इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। इसके अलावा हैवेल्स में यहाँ पे एक विल्फो टेक्नोलॉजी भी है जिसके वजह से यहाँ पे जो इनलेट का कोल्ड वाटर होता है वो अपने गीजर के ऑलरेडी हॉट वाटर से स्लोली मिक्स हो, जिसके वजह से गीजर के कंटिन्यूस यूज में हमें यहाँ पे थोड़ा बेटर कंसिस्टेंट हॉट वाटर मिले। और वैसे मेरी हर टॉपिक के रिगार्डिंग जो डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है वो मैं आपको साइड में रिकमेंड करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं ना कि कोई मार्केटिंग। एंड फिर इसके अलावा हैवेल्स गीजर का मिक्सिंग फैक्टर है मैक्सिमम 30% का, जो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट गीजर के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एज यूजुअल एओस्मिथ ने मुझे ये मेंशन नहीं मिला,
बाकी यहाँ पे इन दोनों ही गीजर्स में हमें हाई क्वालिटी का PVF इंसुलेशन मिल जाता है, बट जिसका इंसुलेशन रियलिटी में बेटर होगा उसकी स्टैंडिंग लॉस वैल्यू कम रहेगी, जो मैं आपको पहले ही शो कर चुका हूँ। बाकी इसके रिगार्डिंग भी ब्रांड्स एंड इनके यूट्यूबर्स वही चीप मार्केटिंग करते हैं, बट फिगर्स आपको कभी भी नहीं बताते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे कैलकुलेट होता है। देन फिर इसके अलावा दोनों ही गीजर्स में है ABS और यू कैन से प्लास्टिक बॉडी विद IPX4 रेटिंग, एंड अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही गीजर्स यहाँ पे काफी वेल बिल्ड है। आपको बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग दोनों में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ऐसी कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिल सकती, तो आप मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हो, वरना मैं तो यहाँ पे यही समझूंगा कि आपको भी यहाँ पे मार्केटिंग झूठी मैनिपुलेटिव पेड वीडियोस ही पसंद है। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सेफ्टी फीचर्स पे, जो दोनों ही गीजर्स में हमें सिमिलर से मिल जाते हैं, लाइक मल्टी फंक्शनल वॉल्व, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, सेकेंड थर्मोस्टेट फॉर ओवरहीट प्रोटेक्शन, एंटी ड्राई हीट प्रोटेक्शन, 8 bar प्रेशर रेटेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स, पावर एंड हीटिंग LED इंडिकेशन, एंटी साइफन सिस्टम एंड 3-pin प्लग। ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको मेरे हर एक रिकमेंडेड गीजर में मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेशल या बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड फीचर नहीं है जिस टाइप से ब्रांड एंड इनके यूट्यूबर्स इनको मार्केट करते हैं। बाकी यहाँ हैवेल्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटीग्रेटेड शॉक सेफ प्लग का, जिससे गीजर में अगर बाय चांस कभी अर्थ लीक होता है, यानी कि इन केस पानी में करंट जाता है, तो आपको शॉक लगने से पहले, इनफैक्ट महसूस होने से पहले, इस गीजर का शॉक सेफ प्लग गीजर की पावर सप्लाई कट कर देगा, जो कि नो डाउट एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ वारंटी की बात करें तो दोनों ही गीजर्स में ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन वहीं हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो नो डाउट हैवेल्स की आफ्टर सेल सर्विस बेटर है, स्पेशली स्मॉल Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में। और अगर आप एक Tier 1 सिटी में रहते हो तो दोनों ही ब्रांड्स की सर्विस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड एडिशनली यहाँ पे कौन सा ब्रांड ज्यादा ट्रांसपेरेंट है वो थ्रू आउट द वीडियो आपको पता चल ही रहा है। बाकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो हैवेल्स के साथ फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्री स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील ब्रेडेड फ्लेक्सी पाइप्स मिल जाते हैं। एंड एडिशनली हैवेल्स की गीजर के साथ जो फास्टनर है, जो एक्चुअली में अपने गीजर को वॉल पे हैंग करेंगे, होल्ड करेंगे, वो यहाँ पे फार बेटर क्वालिटी के हैं एज कम्पेयर टू AO Smith। और वहीं AO Smith की बात करें तो इसके साथ भी फ्री इंस्टॉलेशन है, बट ओनली इन दीज सिटीज, लेकिन यहाँ इसमें एक्स्ट्रा 400 rupees के चार्जेस हैं फॉर देयर फ्लेक्सी पाइप्स, जो इंस्टॉलर यहाँ पे अपने साथ में लेके आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एरिया टू एरिया आपको इनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल जाए। एंड एडिशनली अगर आप इन सिटीज में नहीं हो तो आपको 400 rupees के एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देने पड़ जाएंगे। देन फिर इसके अलावा SD ऑल लो की गीजर्स की प्राइसिंग काफी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट इन जनरल इन दोनों ही गीजर की प्राइसिंग सिमिलर से ही मिल जाएगी। बाकी एस्थेटिकली एंड डिजाइन वाइज कौन सा गीजर बेटर है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड एडिशनली हैवेल्स के गीजर में हमें एक कलर चेंजिंग LED रिंग मिलती है इसके नॉब पे टू इंडिकेट टेम्परेचर। देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इन गीजर को ऑनलाइन परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो इनकी जेन्युइन एंड बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिनके थ्रू आप अपनी कोई भी परचेस कम्प्लीट करके इस टाइप के अनबायस्ड, अनपेड, अनस्पॉन्सर्ड, कम्प्लीट, वेल स्ट्रक्चर एंड टू द पॉइंट कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं यहाँ पे ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप को मना करते हुए आपके लिए इससे बेटर कंटेंट ला पाऊं एंड साथ ही मैं अपनी सारी फ्री सर्विसेज भी कंटिन्यू रख पाऊं। बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको हर एक चीज का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए, लाइक परफॉर्मेंस, डिजाइन, आफ्टर सेल सर्विस, ट्रस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी, तो हैवेल्स इज बेटर ऑप्शन। और वहीं अगर आपको एक AO Smith स्पेसिफिक गीजर ही लेना है एंड आप यहाँ पे एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आप AO Smith गीजर को भी कंसिडर कर सकते हो। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि AO Smith वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है गीजर स्पेस में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। गीजर की कोर परफॉर्मेंस विच इज हीटिंग एंड लॉन्गर लाइफ में आपको इस गीजर में भी कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं मिलेगी विदाउट एनी इफ एंड बट्स। और इन सब के बाद अगर आपको और ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे मेरी इन वीडियोस को विजिट कर लेना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन रह गया हो तो इस फॉर्मेट में आप पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाईज ले सकते हो।